गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फॉर क्लास सिक्स डेसिमल चैप्टर के बारे में आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर किया गया था। आज एक टॉपिक इसके अंतर्गत है जो देखते हैं हम, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। कह रहा है कि एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल क्या होता है, किसी डेसिमल नंबर जो होते हैं उसको कैसे हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 556.728 है, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। 110, 10 प्लेस पे 5 है तो 50 हो गया प्लस 6, ठीक है। पॉइंट है तो आपको बताया गया था पॉइंट के बाद जो ये होता है टेनिथ होता है, ये हंड्रेथ होता है और ये थाउजेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7/10 हो गया प्लस 6/100 और इसको 8/1000 बोलेंगे, ठीक है। ये एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर होगा, इसको एक्सपेंशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो क्लियर हुआ, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल करेंगे, डेसिमल नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर करेंगे, डेसिमल नंबर का हम कैसे एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं। जैसे 56.728 तो 50 + 6 = 7, के बाद 10th प्लेस पे है तो 7/10 होगा। क्यों हुआ बाई में 10, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाला जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे के जीरो बढ़ते जाएगा। थाउजेंथ प्लेस पे होगा तो 1000/10 में होगा, 10,000th प्लेस पे होगा तो वहाँ पे 40 रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल लिखते हैं 243.795, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो हम जिसको जैसे लिखते हैं यानी नंबर को 1/10 100 तो 200 100 प्लेस पे है, 40 + 3 + 7/10 + 9/100 + 5/1000, ठीक है। तो इसको हम एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर बोलते हैं। इस तरीका से यदि आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इस रूल रेगुलेशन पे आप उसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लाइक और अनलाइक डेसिमल। कौन सा, लाइक और अनलाइक डेसिमल। यहां पे क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। कह रहे कि लाइक डेसिमल किसे कहते हैं, यहां पे लाइक डेसिमल कह रहा है कि डेसिमल विच हैव सेम नंबर ऑफ प्लेसेस आर कॉल्ड। कह रहा है कि डेसिमल विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल, आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। कह रहा है कि डेसिमल विच है वैसा डेसिमल जिसके डेसिमल विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस, जो यदि दो डेसिमल नंबर है और दोनों डेसिमल नंबर के प्लेसेस वैल्यू जो सेम है तो वैसे डेसिमल नंबर को हम लाइक डेसिमल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 943.245,
देखिए यहाँ पे 9 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है, ठीक है। यानी 10th है और 100th है, यहाँ पे 10th है और 100th है, तो दोनों हमारा जो डेसिमल नंबर है इसको हम लाइक डेसिमल के अंतर्गत रखते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, लाइक डेसिमल। समझ में आ रहा है? जैसे 9.053, 7.430, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद डेसिमल के पहले 1 डिजिट, यहाँ पे भी 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। कह रहे कि सेम प्लेसेस वैल्यू आर कॉल्ड, सेम प्लेसेस नंबर ऑफ सेम प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 प्लेस है, यहाँ पे भी 2 प्लेस है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 प्लेसेस है और यहाँ पर भी 3 प्लेसेस है। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लाइक डेसिमल कहते हैं। ठीक इसके ऑपोजिट अनलाइक डेसिमल होगा। करें कि डेसिमल विच हैव सेम डू नॉट सेम नंबर ऑफ प्लेसेस। कह रहा है कि अनलाइक डेसिमल इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, जिसके प्लेसेस वैल्यू सेम नहीं हो। क्या हो? जिसके प्लेसेस वैल्यू सेम नहीं हो वैसे डेसिमल को हम अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। नेक्स्ट अनलाइक डेसिमल, ठीक है। यहां पे डेसिमल विच हैव डू नॉट सेम नंबर ऑफ प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल, ठीक है। करेक्ट, डेसिमल विच हैव डू नॉट सेम नंबर ऑफ प्लेसेस, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं हो उसको हम अनलाइक डेसिमल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7.435, 4.29। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, तो ये कभी भी लाइक डेसिमल नहीं होगा। क्या होगा? अनलाइक डेसिमल के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे 24.5, 30.432। देखिए यहाँ पे 24.5 जो है, यहाँ पे 0.5 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम इसको अनलाइक डेसिमल के अंतर्गत रखते हैं। बात क्लियर हुआ? तो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में क्या क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, इसको भी हमने सीख लिया। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल भी सीख लिया, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये टॉपिक बताया गया था। प्लेस वैल्यू के बारे में बताया गया था, टेनेथ के बारे में बताया गया था, जीरो के बारे में बताया गया था। यानी इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें एक्सरसाइज में, ठीक है। इसके एक्सरसाइज के देखते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए एक्सरसाइज में हम जाएंगे 6.1, एक्सरसाइज 6.1 में कह रहा है कि इडेंटिफाई द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ डेसिमल नंबर आर लाइक और अनलाइक डेसिमल। तो अभी बस जस्ट बताया गया था, वाला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई
द फ्लोइंग पेयर, द फ्लोइंग पेयर ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर डेसिमल नंबर एज लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक, अनलाइक डेसिमल, ठीक है. आइडेंटिफाई द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द डेसिमल नंबर्स एज लाइक और अनलाइक डेसिमल. करें कि जो भी हमारा पेयर दिया गया है उस पेयर को चिन्हित करना है कि यह जो है लाइक है कि अनलाइक है. तो पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं. पहला नंबर क्वेश्चन 253.415 एंड 215.453. देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. हमने अभी क्या बताया कि डेसिमल व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल. तो लाइक डेसिमल के लिए हम 253.415 एंड 215.453 में हम देखते हैं कि दोनों के प्लेसेस वैल्यू जो हैं सेम है, ठीक है. तो यह क्या होगा, यह लाइक डेसिमल होगा. इसको लाइक देंगे हम, लाइक डेसिमल होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ का प्लेस वैल्यू जो है सेम है, वह हमारा क्या होगा, लाइक डेसिमल होगा. अभी तुरंत जस्ट 1 मिनट एगो आपको बताया गया था कि लाइक डेसिमल क्या है और अनलाइक डेसिमल क्या है. तो आपको एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही इंडिकेट कर रहा है कि इंडिकेट करना है कि ये जो पेयर दिए गए हैं उनमें से कौन सा लाइक डेसिमल है और कौन सा अनलाइक डेसिमल है, ठीक है. ठीक, अब देखिए इसमें इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे. जैसे सेकंड एग्जांपल बी नंबर चाहे सी नंबर हम लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे 4.001 एंड 9.1 जो है, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं. इसका सॉल्यूशन 4.001 एंड 9.1 हमने क्या देखा कि 4 पॉइंट यानी पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 प्लेसेस है, ठीक है. तो यह क्या कहलाएगा, लाइक डेसिमल होगा कि अनलाइक डेसिमल होगा? तो यह हमारा अनलाइक डेसिमल के अंतर्गत आएगा, अनलाइक डेसिमल, ठीक. तो पहला नंबर क्वेश्चन हम क्लियर कर लिए. एक्सप्रेस द फ्लोइंग अनलाइक डेसिमल और लाइक डेसिमल, दो नंबर में ही क्वेश्चन है कि इसको व्यक्त करें लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल में, ठीक है. जैसे एक्सप्रेस द फ्लोइंग लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल, व्यक्त करना है कि कौन सा लाइक डेसिमल है और अनलाइक डेसिमल में, दो नंबर यही क्वेश्चन है. उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर ऑन द नंबर लाइन. आपको बताया गया था टॉपिक में, आपको टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि डेसिमल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है. टू नंबर जस्ट ऐसे ही एक्सप्रेस करना है कि कौन सा लाइक डेसिमल है और अनलाइक डेसिमल है, इसको आप आसानी से इसी बेस पे बना लीजिएगा. थ्री नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर. थ्री नंबर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द फ्लोइंग
रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, डेसिमल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो आपको बताया गया था फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 2.4 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि पहले एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसके मिड पॉइंट में हमारा जीरो। अब देखिए 2.4 हम आपको बताए थे कि पहले इसका हमको समझना जरूरी है कि 2.4 जो है किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। तो 2.4 जो है वह 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो 2 एंड 3 के बीच में यह लाई कर रहा है। 2.4 जो है वह किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 एंड 3 के बीच में, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 10 पार्ट में हम कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे हमारा 2 और इधर 3 हुआ, क्लियर, ठीक है। तो 2.4 रिप्रेजेंट करना है 2.4, तो 2 पॉइंट यानी पॉइंट के बाद यहाँ पे जाएंगे 2.1 और यहाँ पे 2.9 में 0.1 ऐड करेंगे तो 3.1 आएगा, जो 3 रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो 2 पॉइंट हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 2.1 2.2 2.3 2.4, तो यहाँ पे हमारा 2.4 रिप्रेजेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या देखा कि 2.4 जो है किन दो नंबरों के बीच में लाई कर रहा है, तो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो 2.4 कहाँ पे आएगा, 0.1 यानी 2.1 2.2 2.3 2.4। अब यहाँ पे 2.6 रहता तो यहाँ पे हो जाता, 2.5 रहता तो यहाँ पे, 2.7 यहाँ पे, 2.8 2.9, ठीक है। तो इस तरीका से बहुत किसी भी तरह का यदि डेसिमल नंबर हो तो उसको नंबर लाइन पे आसानी से रिप्रेजेंट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी जो भी है इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। करेगा रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल, देन राइट द प्लेस वैल्यू 5 इन ऑल ऑफ देम। करेगा सबका प्लेस वैल्यू चार्ट बना, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल, प्लेस वैल्यू टेबल बना लेना है और इसका प्लेस वैल्यू लिख देना है, ठीक है। जैसे प्लेस वैल्यू टेबल आपको बताया गया था, देखिए प्लेस वैल्यू टेबल बताना है 4 नंबर में, अब तो दिक्कत नहीं होगा डेसिमल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे यदि प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू टेबल इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे वन टू थ्री, 1, 2, 3, उसके बाद डेसिमल पॉइंट, उसके बाद 10th, 100th, 1000, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्ले प्लेसेस हो गया, प्लेसेस में मान लीजिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे प्लेसेस, यहाँ पे प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यूज, ठीक है,
यहां पे 100 टेन वन, यहां पे डेसिमल पॉइंट, ठीक है, और यहां पे टेन एथ हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड, ठीक है। तो चार नंबर क्वेश्चन में हमको दिखाना है कि प्लेस वैल्यू टेबल चार्ट कैसे बनाते हैं। जिस तरह से हमारा नंबर होगा उसके हिसाब से हमारा, यदि 100 ना होकर 1000 रहता तो प्लेसेस लिखने के बाद थाउजेंड्स भी लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद हंड्रेड्स लिखते हैं, उसके बाद 10 लिखते हैं, उसके बाद 1 लिखते हैं, ठीक है। यदि हमारा 10,000 प्लेसेस में होता तो इधर और बढ़ते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो प्लेस वैल्यू टेबल मतलब रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन अ प्लेस वैल्यू टेबल, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ए 5 इन ऑल ऑफ देम, सबका 5 का प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 7.597 है, ठीक है, अब यहाँ पे 100 तो नहीं है, ठीक है, इसमें 100 नहीं ना है तो 10 है, 10 भी नहीं है, उसके बाद 1 है, तो 1 में मेरा क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट। अब इसमें 5 का केवल 5 का ही प्लेसेस वैल्यू लिखना है, तो 5 का हमारा प्लेसेस वैल्यू क्या हो जाएगा 10, 5/10 है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल में बी नंबर, ये ए नंबर क्वेश्चन का हुआ, बी नंबर पे इसी पे बता दे रहे हैं आपको कि 3.985 है, 3.985 में हमारा 3 1 प्लेसेस पे है और इसमें पॉइंट डेसिमल है, ठीक है। अब यहाँ नहीं पूछ रहा था तो हम नहीं बता लिखे थे, ठीक है, क्योंकि 5 का ही डेसिमल प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक, और यहाँ 7/1000, बात समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग, रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर इन प्लेस वैल्यू टेबल, इन प्लेस वैल्यू टेबल देन राइट द प्लेस वैल्यू, राइट द प्लेस वैल्यू, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेसिमल नंबर प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट करना है, तो और केवल किसी का 5 का ही प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हमारा 5 इस नंबर में हमारा 5 है, इसका प्लेस वैल्यू 10^5/10 हो जाएगा। 9 का यदि प्लेस वैल्यू पूछता तो ये हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह इस एग्जाम्पल में 3 1s पे है, पॉइंट पे है, और यहाँ पे 10/5 का डेसिमल पूछना है तो 9/10 और 8/100, तो यहाँ का इसका प्लेस वैल्यू हमारा 1/5/1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम प्लेस वैल्यू टेबल चार्ट बना लेंगे और जिसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहेगा उसको ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। यह लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके 5 ऑल ऑफ देम या सभी में से 5 का ही प्लेस वैल्यू निकालना है, तो जिस अंक पे मेरा प्लेस 5 रहेगा उस प्लेस को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 5 नंबर कह रहा है राइट द एक्सपेंडेड फ्रॉम द फ्लोइंग डेसिमल नंबर, तो फ्रैक्शनल एंड डेसिमल बोथ ऑल्सो राइट देम इन वर्ड्स, कह रहा है कि इसको वर्ड में लिख देना है, ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म जस्ट आपको बताया गया था, इस वीडियो में उसको देख लीजिएगा, उसको लिखने के बाद आप उसको वर्ड में लिख दीजिए, ठीक है। राइट द फ्लोइंग डेसिमल, राइट द फ्लोइंग एज ए डेसिमल, ठीक है। तो राइट द फ्लोइंग एज ए डेसिमल हम आपको बता रहे हैं, जस्ट इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का अपोजिट होगा, ठीक है।
ठीक है। तो फाइव नंबर क्वेश्चन आपको जस्ट बताया गया था 2-3 मिनट पहले कि एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और फ्रैक्शनल और डेसिमल बोथ, और उसको एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के बाद उसको वर्ड में लिखना है। तो फाइव नंबर आपसे बन जाएगा। सिक्स नंबर कर रहा है कि राइट द फ्लोइंग, सिक्स नंबर क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फ्लोइंग एज ए डेसिमल। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है 15.7584, पहला क्वेश्चन एफ, ठीक है, 784, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, 15 पॉइंट, तो 15 लिखते हैं, पॉइंट पॉइंट दे दिया यहाँ पे, 7 हो गया हमारा, 8 और 4, ठीक है। बी नंबर एग्जांपल दे रहे हैं हम, बी नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर यहाँ पे बी नहीं, सी देखते हैं, सी दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, 4+5/10+7/100+1/1000+6/10,000, ठीक है। तो इसको हम डेसिमल के रूप में लिखना है, राइट द फ्लोइंग एज ए डेसिमल। तो 4, अब यहाँ पे प्लस के बाद बाय 10 है, बाय 100 है, तो बताए थे 10th हो जाएगा, 100th हो जाएगा, 1000th हो जाएगा, 10,000th हो जाएगा। यहाँ पे 4 के बाद क्या जाएगा, मेरा पॉइंट जाएगा 5716, यह हमारा आंसर हो जाएगा। दो नंबर में सेम उसी तरह उसको ऐड करके लिख देना है डेसिमल में, और वह हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6.1 जो है यह चैप्टर का पहला एक्सरसाइज आपका आसानी से खत्म हो गया, और इसको इजी वे में सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन बता दिया गया है, और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अपने से बनाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में 6.2 बनाएंगे।